हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो जो आज का टॉपिक है किस फॉर क्लास 12, द चैप्टर नेम इज रे ऑप्टिक्स एंड द टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब एंड मिरर। क्लियर होगी बात? चलिए देखते हैं क्या है इसका। अब इसमें क्या है, आपके पास कुछ इस तरह से होगा, एक मान लीजिए आपके पास ये कोई स्लैब है, ठीक है भाई, और इसके पीछे आपने सिल्वरिंग कर दी इसकी पिछली वाली सरफेस पे। इसमें दो सरफेस है, ये हो गया आपके पास मिरर, ठीक। आपने सामने यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखी इस जगह पे, तो इमेज कहां पर बनेगी वो आपको पता करना होगा। अब इसमें मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, बाहर जो है मीडियम उसका म्यू वन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर मीडियम उसका म्यू वन है। तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर कितनी फेनोमिना होंगी जब इसकी इमेज बनेगी। तब देखिए, सबसे पहले लाइट की रेज यहां से चलेंगी इस सरफेस पे आके, उनका होगा रिफ्रैक्शन फर्स्ट सरफेस से क्या होगा, रिफ्रैक्शन। सेकेंड सरफेस पे तो मिरर रखा हुआ है, तो सेकेंड सरफेस पे क्या होगा, सेकेंड सरफेस पे होगा आपका रिफ्लेक्शन। मिरर से टकरा के वापस आएंगे तो यहां रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा भैया? रिफ्लेक्शन होगा यहां पर, और उसके बाद जब लाइट की टकरा कर वापस लौट रही होंगी तो फिर फर्स्ट सरफेस से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो दो बार यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, एक बार जाते समय, एक बार वापस आते समय, और एक बार होगा रिफ्लेक्शन। तो तीन फिनोमेना यहां पर काम आएगी, एक रिफ्रैक्शन फर्स्ट सरफेस से, दूसरा रिफ्लेक्शन सेकेंड सरफेस से, तीसरा फिर रिफ्रैक्शन दोबारा फर्स्ट सरफेस से। क्लियर होगी बात? तो जो आपके पास एक कॉम्बिनेशन है ग्लास स्लैब का, सिल्वर्ड ग्लास स्लैब है, इसके पीछे सिल्वर रखी है, हेंस द सिल्वर्ड, या फिर हम बोल सकते हैं पॉलिश्ड ग्लास स्लैब इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, नंबर फर्स्ट ए ग्लास स्लैब वेयर रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, है ना। नंबर सेकेंड ए प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, और नंबर थर्ड अगेन अ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, जहां पर दोबारा आपका रिफ्रैक्शन होगा। पहले रिफ्रैक्शन तो ग्लास स्लैब की तरह बिहेव कर रहा है, फिर रिफ्रैक्शन तो मिरर की तरह बिहेव करता है, दोबारा फिर रिफ्रैक्शन है तो ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करता है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है आपके पास, ये जो सिल्वर्ड ग्लास स्लैब आपको दिखा रखी है मैंने थिक। क्लियर होगी बात? तो भाई ये है पूरा तामझाम। आप इस पे कैसे करते हैं न्यूमेरिकल्स, तो आपको समझना है, इसके बहुत सारे मेथड हैं, तो एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा बाद में किस तरह से करना है आपको। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं सीधे, फिर वैल्यू रखकर हम सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन कैसे करना है सॉल्व।
तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए तो देखते हैं किस तरह सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। देखिए एक तो मैं सिखाऊंगा आपको पूरा मेथड कैसे सॉल्व करना होता है, पूरे जितना भी तीनों प्रोसेस आपको दिखेंगे उसमें, और एक सिखा दूंगा शॉर्ट ट्रिक, तो उससे भी देख लेना आप, ठीक है। तो हालांकि आपको शॉर्ट ट्रिक ही बाद में इस्तेमाल करनी है, मैं एक क्वेश्चन में आपको पूरा करके दिखाता हूँ, उसके बाद में सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करूंगा अगले क्वेश्चन से, ठीक है भाई। देखिए इसमें क्या है, आपके पास एक थिक ग्लास स्लैब है, थिकनेस 6 सेंटीमीटर है, इसके पीछे मिरर है, मतलब पॉलिश कर रखी है हमने, तो सेकेंड सरफेस की मिरर है। एक ऑब्जेक्ट है जो इसकी फर्स्ट सरफेस से 28 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, इसका जो म्यू है, किसका, आपके पास जो ग्लास सरफेस वाली, इसका जो म्यू है आपको दे रखा है 1.5 यानी 3/2। म्यू क्या दे रखा है इसका, 3/2 दे रखा है क्वेश्चन में आपको, क्लियर होगी बात। चलिए अब सॉल्व करते हैं, तो आपको पता है करना है, अच्छा इधर तो एयर है तो इसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, देता नहीं है तब भी आपको 1 याद रखना है कि 1 ही है। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। चलिए देखते हैं किस तरह से बनेगी इमेज। तो चलिए बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। तो मैंने कहा था कि जो आपके पास दिख रहा है आपको, ये कॉम्बिनेशन है तीन चीजों का, पहले एक ग्लास स्लैब लेनी है, फिर एक मिरर, फिर दोबारा एक ग्लास स्लैब आपको लेनी है, तो तीन बार आपको प्रोसेस करना पड़ेगा तब जाके आपका आंसर आएगा फाइनल, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे सिर्फ ग्लास स्लैब की वजह से, किसकी वजह से, नंबर फर्स्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब। चलिए ग्लास स्लैब से कितनी शिफ्टिंग होती है, कल मैं आपको अपने वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं ऑलरेडी, अगर आपने नहीं देखा है तो भैया जाके देखो वहां पर पहले। अब मान लीजिए ग्लास स्लैब है और इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, कितनी दूरी पर, 28 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है। आप यहां से इसको देखते हो तो ये जो है थोड़ा सा आगे की ओर शिफ्ट हो जाती है, और शिफ्टिंग के लिए अगर फॉर्मूला में बता रखा था आपको, तो ये जो इमेज बनाएगा इसकी वो यहां कहीं बनाएगा, इसको बोल दिया मैंने I1। क्या बोल दिया, I1। एज वी नो ग्लास स्लैब शिफ्ट्स द ऑब्जेक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग रेज, जिस तरफ रेज चल रही होंगी, तो भैया रेज इस तरफ जा रही है ऐसे, है ना, इस तरफ शिफ्टिंग हो जाएगी, और शिफ्टिंग का जो फॉर्मूला होता है ये मान लेते हैं, शिफ्टिंग हमने जो मानी ये एक्स है आपकी, तो शिफ्टिंग का जो फॉर्मूला होता है आप पीछे के पढ़े तो टी इंटू वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन यू, जहां पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब बाहर एयर होती तो ये फॉर्मूला बनता है, अगर बाहर म्यू वन म्यू टू होता तो यहां आता म्यू वन, यहां आता म्यू टू। शिफ्टिंग का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए भैया, नहीं याद है तो आपके लिए प्रॉब्लम है, आप याद करो पहले उसको। तो एक्स कितना निकलेगा, लास्ट की वीडियो से मैंने सिखाया था, मैंने ग्लास स्लैब से कितनी शिफ्टिंग होती है आगे की ओर, शिफ्टिंग का फॉर्मूला ये निकाला था मैंने, इधर एयर और ग्लास स्लैब, इधर भी एयर है तो, है ना। चलिए तो ये आ जाएगा आपके पास कुछ तो भी, 6 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 3/2, तो ये आ जाएगा 1/3 2 सेंटीमीटर। हेंस ग्लास स्लैब फॉर्म्स इमेज I1 ऑफ ऑब्जेक्ट O
आई वन एक्ट्स लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर, फॉर मिरर। अब इससे देखो कितनी दूरी बची है, ये बच गई आपके पास 26 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर आ गया ना। एक्स कितना आ गया, एक्स आपका 2 सेंटीमीटर आ गया, तो इमेज इस वाली सरफेस से 26 सेंटीमीटर बची है, तो मिरर से कितना बची है 32 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो भाई, यही तो आ गई, और ये 6 है तो पूरी कितनी हो जाएगी 32 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर हो जाएगी ना। पहले आप पूरा प्रोसेस सीख लो, ताकि अगर कभी भूल जाओ शॉर्ट ट्रिक तो आपको ये तो ध्यान कम से कम रहेगी। अब नंबर सेकंड बात किससे करेंगे, ड्यू टू मिरर, पहला बात स्लैब फिर दोबारा मिरर होता है ना नंबर सेकंड, तो नंबर सेकंड में क्या है ड्यू टू मिरर, देखते हैं क्या कहानी बनेगी। तो आपके पास एक मिरर होगा, इसी फिगर को मिटा देता हूं मैं, अब इसके इस पड़ा तो इस ऑब्जेक्ट जरूरत ही नहीं बची, अपने पास जो इमेज है वही तो करेगी। ऑब्जेक्ट का काम किसके लिए, मिरर के लिए। ये फिगर हो जाएगा आपके पास इस तरह से जो मैंने बना दिया अभी, ये तो नोट कर लिया होगा, छोड़ा देता हूं मैं, जरूरत है इसके। आई वन हो गया इसके लिए ऑब्जेक्ट, लाइट रेज ऐसे जा रही है ठीक है, टकराने के बाद ऐसे वापस आएंगी, जो इमेज फॉर्मेशन होती है हम जानते हैं प्लेन मिरर अपने जस्ट पीछे बनाता है, एक और लाइट के लिए लोग आप ऐसे इधर जाएगी, दोनों को मिलाओगे पीछे आकर इमेज बनेगी, प्लेन मिरर से इमेज बनाना आता है ना आपको, या आई टू मान लो सेम डिस्टेंस पर बनती है तो 32 सेंटीमीटर पीछे बन जाएगी मिरर। फॉर्म्स एंड इमेज लाइट के लिए वापस लौट रही, ध्यान रखना भी काम आएगा फिर। मिरर फॉर्म्स एंड इमेज आई टू ऑफ आई वन एट 32 सेंटीमीटर बिहाइंड इट, ठीक है भाई, 32 सेंटीमीटर जैसे फिगर में दिख रहा हूं आपको साफ। तो ये आपके आई टू हो गई। अब हम बात करेंगे नंबर थर्ड केस, दोबारा स्लैब फिर रिफ्रेक्शन होगा ना, ये जो आई टू है ये ग्लास स्लैब के लिए दोबारा क्या काम करेगी, दोबारा से ऑब्जेक्ट का काम करेगी, लाइट टकराकर वापस भी तो लौटेंगी फिर, तो फिर ग्लास स्लैब से वापस एयर में आएंगी। देखो पहला ध्यान सुनो, ये ग्लास स्लैब थी, ये मिरर था, आई यहां पर रिफ्रेक्शन हुआ ठीक है, फिर टकराएगी वापस आएगी, फिर दोबारा जब यहां पर आएगी तो फिर दोबारा रिफ्लेक्शन होगा, तो दो बार ग्लास स्लैब काम करेगी, रिफ्लेक्शन दो बार होता है तो ग्लास स्लैब को आपको दो बार लेना पड़ेगा, एक बार ऑब्जेक्ट के लिए और एक बार मिरर से बनी इमेज के लिए। नंबर थर्ड, ड्यू टू ग्लास स्लैब अगेन चल देखिए इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, इसके लिए कैसे करोगे भाई, जो I2 आपको दिख रही है देखिए ये तो होगा आपके पास जो स्लैब है ये शुरू होगी, कितनी 6 सेंटीमीटर की स्लैब दे रखी थी आपको ध्यान होगा। अब इसके लिए जो ये इमेज I2 बनी है 32 सेंटीमीटर पे फ्रॉम दिस सरफेस, और लाइट की रेज जो है इसमें इधर से आ रही है, ऐसे इधर जाएंगी वापस, ऐसे तो आएंगी यार, ये तो आ रही है लाइट की रे, तो आपको क्या लगेगा यहां से आ रही है इधर को, यानी इसमें से इसमें जाएंगी, अब की बार ऐसा ही तो होगा, इसमें से इसमें जाएंगी इस बार, ये तो होगा। तो अब फिर शिफ्टिंग क्या आ जाएगी, शिफ्टिंग दोबारा फिर वही आ जाएगी आपकी एज इट इज, नहीं शिफ्टिंग लेकिन आपकी बात इस डायरेक्शन में होगी, यानी ये अगर आपके पास I2 है तो यहां पर जो फाइनल इमेज बनेगी जिसका नाम I3 होगा वो इधर शिफ्ट होगी, क्योंकि लाइट इधर चल रही है, ग्लास स्लैब जो होती है वो ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करती है थोड़ा सा, जिस डायरेक्शन में उससे रेज निकलती है उसी डायरेक्शन में शिफ्टिंग होती है, पिछली बार इधर से निकल रही थी रेज तो ऐसे होती शिफ्टिंग, इस बार इधर आएगी शिफ्टिंग,
ये इसकी फाइनल इमेज आई थ्री यहां बनेगी, और शिफ्टिंग का फॉर्मूला तो फिर से वही रहेगा, ग्लास स्लैब शिफ्टेड द इमेज आई टू एट आई थ्री, है ना। और वो शिफ्टिंग कितनी हो जाएगी, एक्स बराबर वही फॉर्मूला रहेगा फिर से, टी वन अपॉन वन माइनस म्यू, इधर एयर है ये ग्लास है, इधर भी एयर है, ये तो फॉर्मूला निकलता था शिफ्टिंग का, तो सिक्स वन माइनस वन और थ्री बाई टू है इसका तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, फिर से दोबारा तो वही आ जाएगा टू सेंटीमीटर दोबारा से, तो टू सेंटीमीटर इधर खिसक जाएगी, फाइनल इमेज आपके पास ये बनेगी आई थ्री है आपकी फाइनल इमेज, जो कितनी दूरी पर है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेकेंड सरफेस एंड 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस, ये आपका फाइनल आंसर है। सिंपल है बिल्कुल, जैसे मैंने बताया वैसे तो किया, अब शॉर्ट ट्रिक से भी करूंगा इसको, तो आप ध्यान से देखने पर शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है, एक बार में उससे आंसर आ जाएगा, तीन बार नहीं करना पड़ेगा। हेंस फाइनल इमेज आई थ्री इज फॉर्म एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम सेकेंड सर्फेस, या फिर मिरर से बोल सकते हो, एंड 36 सेंटीमीटर फ्रॉम फर्स्ट सर्फेस। अरे भाई टू सेंटी 32 थी पूरी, तो अभी कितनी बची, 30 तो बची, तो मिरर से 30 की दूरी पर फर्स्ट वाले सर्फेस से 36 जाएगा, 30 प्लस 6 36, तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो गया ये। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से देख सकते हैं अगर हम समझना चाहे तो, देखिए इसका अल्टरनेट मेथड क्या है जो कि शॉर्ट ट्रिक की तरह से इस्तेमाल होगा, उससे एक बार में आंसर आ जाएगा। इस मेथड का नाम होता है बाय शिफ्टिंग मिरर, मिरर को आप शिफ्ट कर लोगे हमेशा। चलिए देखते हैं कैसे करना है, मेरे पास समझना ध्यान से जरा, इससे आपका आंसर सीधे एक बार में आ जाएगा डायरेक्ट खत्म। अब मान लीजिए आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है 28 सेंटीमीटर फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, देखिए ये मिरर है ना, अगर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखें मतलब यहां से खड़े होकर देखो तो मिरर मुझे कुछ आगे दिखेगा, थोड़ी शिफ्टिंग होगी ना इसकी, अगर मिरर को मैं ऐसा ऑब्जेक्ट देखें यहां से खड़े होकर तो मिरर मुझे कुछ आगे दिखेगा, वही 2 सेंटीमीटर आगे आ जाएगा शिफ्टिंग मिरर की जो होगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मिरर इज शिफ्टेड बाय डिस्टेंस। अच्छा मिरर शिफ्ट हो रहा है मतलब मिरर से रेज निकल के तुम्हारी आंखों तक आ रही, मतलब यहां से खड़े होकर देखूं मैं इस जगह से, मेरी बात पहले ध्यान से सुनो, शॉर्ट ट्रिक है तो ध्यान से गड़बड़ नहीं करना इसमें, यहां से खड़े होकर मिरर को देखो तो मिरर आगे की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब यहां से रेज निकलकर आपके पास आएंगी तो मिरर आगे की तरफ शिफ्ट होगा, वो डिस्टेंस होगी आपकी टी वन माइनस वन अपॉन म्यू, जहां पर म्यू उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और बाहर का तो वन है ही,
आप क्या करोगे, इस मिरर को यहाँ शिफ्ट कर लोगे, जो इमेज बनेगी आपकी बस वही इमेज डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, सीधा वही आंसर आएंगे सीधे एक ही बार में। ये शॉर्ट ट्रिक है, जल्दी आंसर आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, तो मिरर की शिफ्टिंग कर लोगे, मिरर को आप यहां शिफ्ट कर दो इस जगह पे, ये आ गया नया मिरर, शिफ्टेड मिरर आपका। कितना शिफ्टिंग होगी, तो शिफ्टिंग तो हम निकाल चुके हैं ना, वही तो दो ही तो आएगी इस केस में, सिक्स थी इसकी खुद की थिकनेस, तो सिक्स वन माइनस वन अपॉन थ्री बाई टू, ये आ गया आपके पास 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर इधर खिसक आया, ठीक। अब देखिए जो मिरर है उससे कितनी डिस्टेंस पर दिख रही है आपको ऑब्जेक्ट, 28 सेंटीमीटर और प्लस 4, 32 सेंटीमीटर। भैया जो ऑब्जेक्ट है शिफ्टेड मिरर के लिए, शिफ्टेड मिरर जहां पर इमेज बनाएगा वही फाइनल इमेज भी, खत्म कहानी, ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत ही नहीं, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। नोट कर ले आपने जो लिखा था मैंने, जरा आप ध्यान से देखो, ये जो मिरर है ये खुद से कहां बनाएगा इमेज, इससे जो ऑब्जेक्ट रखी हुई कहां पे रखी हुई है भैया, इससे 32 की दूरी पर है, देखो ध्यान से 32 सेंटीमीटर, तो कितने पीछे बनेगी 32 सेंटीमीटर पीछे यहां पर जो इमेज बनेगी फाइनल आपकी, ये इमेज है। तो ये इमेज फर्स्ट सरफेस से कितनी दूरी पर है भाई, ये तो है ये फर्स्ट सरफेस है, सेकंड सरफेस है, तो सेकंड सरफेस से कितनी दूरी पर है 32, ये 2 था कि नहीं था, तो कितनी बची 30 बची कि नहीं बची, ये तो आंसर आया था याद करो। और अगर फर्स्ट सरफेस से देखें तो कितनी दूरी पर आएगी, फर्स्ट सरफेस 6 है यहां तक पूरा, तो 36 हो जाएगा पूरा डिस्टेंस, आ गया आंसर सीधे एक बार में। तो फ्रॉम सेकेंड सर्फेस इमेज इज एट 30 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम फर्स्ट सर्फेस इमेज इज एट 36 सेंटीमीटर। तो पहले मिरर को शिफ्ट कर लेंगे, अब शिफ्टेड मिरर जो इमेज बनाएगा वही आपकी फाइनल इमेज होगी इस केस में, और वही आपको सीधे आंसर लिख देना है। अगली बार मैं शॉर्ट ट्रिक से करूंगा, आपको मैंने एक बार पूरा समझा दिया है क्या होता है, लेकिन करूंगा मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से, तो भैया आप ध्यान थोड़ा दे के रखेंगे इसमें, ठीक है। दोनों ही मेथड आपको आने चाहिए। चलिए तो अब आगे देखते हैं, इससे भी वही आंसर आते हैं, इसलिए शॉर्ट ट्रिक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का, फिर देखते हैं आगे क्या सिस्टम है इसका। आपके पास मान लीजिए यहां पर एक ग्लास है, ठीक है, और इस ग्लास के पीछे यहां पर एक मिरर रखा हुआ है, इस बार थोड़ी डिस्टेंस पे, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से बिल्कुल भी, ठीक है, करना आपको वैसे ही है। ये दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, क्लियर है बात। म्यू दे रखा है आपको 3/2, एक ऑब्जेक्ट है यहां पर रखी हुई है, फ्रॉम द मिरर जो इसकी डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर है, फाइंड द पोजिशन ऑफ फाइनल इमेज। समझ गए भाई, ये तो एयर है, पीछे तो फिर कुछ लेने की जरूरत नहीं, इधर तो फिर मिरर का आएगा हिस्सा, वर्चुअल जो भी चीज होगी मिरर के अंदर जाएगी, तो इसके पीछे लेने की जरूरत नहीं, यहां पे क्या है सर।
अरे इसके इधर रेज आएंगे नहीं यार, यहाँ से लौट जाएंगे वापस। इसके इधर तो मिरर का अंदर वाला भाग है, तो मिरर के जो अंदर भाग होता होता है कि इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, जो यहाँ पर है वही इसके अंदर दिखेगा। यहाँ पर से कोई मतलब नहीं है ठीक, क्योंकि राइट रे इधर जाएंगे नहीं, टकराएंगे वापस आएंगे। यहाँ से रिफ्रेक्शन होगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, फिर इस ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन होगा। तो पहले ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन, मिरर से रिफ्लेक्शन, वापस से ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन, तो आपका आंसर आएगा। तो आप चाहो तो पहले वाले मेथड से करो, चाहे सीधे डायरेक्ट सेकंड मेथड से करो, आपके आंसर भी आने वाले हैं। तो मैं सीधे सेकंड मेथड का इस्तेमाल करता हूँ, शॉर्ट ट्रिक है ना, तो सिखाई है मैंने तो आप सीधे देखो। तो पहले मिरर को हम शिफ्ट करेंगे इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, नाउ विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मिरर इज शिफ्टेड। अच्छा, मिरर की शिफ्टिंग हमेशा इस तरफ होगी, ऑब्जेक्ट की तरफ। अगर आप यहां से देख रहे हो तो ये मिरर से रेज आएंगे आपके पास, तो मिरर इधर आएगा आपके लिए, मिरर इधर आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मिरर इज शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। ड्यू टू ग्लास स्लैब, और जो शिफ्टिंग आएगी उसका फॉर्मूला आप जानते हो, टी वन अपॉन वन जे, वन माइनस वन अपॉन यू, तो फोर इंटू वन माइनस थ्री बाई टू, तो आ जाएगा आपके पास फोर बाई थ्री सेंटीमीटर, फोर बाई थ्री सेंटीमीटर, ये तो हो गया ठीक है भाई, फोर बाई थ्री सेंटीमीटर। यानी जो मिरर है आपका, नई लोकेशन जो मिरर की आ जाएगी वो कहां जाएगी, इस तरफ आ जाएगी यहां पर। ये शिफ्टेड मिरर है जो मैंने रेड से बनाया है, और ये डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच की, फोर बाई थ्री सेंटीमीटर है ना। तो अगर हम शिफ्टेड मिरर से देखें तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, तो नोट कर लिया होगा ना आपने, शिफ्टेड मिरर से देखा जाए तो जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस पर आ जाएगी, 40 माइनस 4 बाई थ्री, 40 माइनस 4 बाई थ्री, ये तो है मिरर आपके पास, शिफ्टेड मिरर जो है। ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट आपके पास यहां पर है, अब जो डिस्टेंस बचेगी वो बचेगी 40 माइनस 4 बाई थ्री सेंटीमीटर। तो इसके पीछे इसकी इमेज जितनी डिस्टेंस पर बनेगी, हमें पता है बात को, कि प्लेन मिरर अपने से बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर रखी है उससे उतनी डिस्टेंस पर आपकी इमेज बना देता है, एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पर। 40 माइनस 4 बाई 3 सेंटीमीटर पर बनेगी इसकी इमेज, जिसको हम बोलेंगे फाइनल इमेज आई। ये तो आपका वर्चुअल मिरर है, ये कौन सा मिरर है, वर्चुअल, झूठा मिरर, यहां कोई मिरर थोड़ी है, ये तो शिफ्टिंग है ना मिरर की, इससे आंसर भी आते हैं। जो रियल मिरर है उससे कितनी दूरी बचेगी, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम रियल मिरर कितनी बचेगी, भाई देखिए ये तो है, अगर यहां से ध्यान से देखा जाए तो कितनी बचेगी डिस्टेंस, 40 माइनस 4 बाई थ्री, और ये कितनी है खुद 4 बाई थ्री, तो 40 माइनस 4 बाई थ्री और फिर माइनस 4 बाई थ्री, ये तो आ जाएगा आंसर। फोर्टी माइनस फोर बाई थ्री माइनस फोर बाई थ्री, 40 माइनस 8 बाई थ्री, ठीक है, सॉल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर रहा होगा 120 वन वन ट्वेल्व अपॉन में थ्री, बस ये आंसर हो गया सेंटीमीटर में। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक छोटी मोटी हो जाए तो अपने आप से अपने सही कर लेना अपने आप इसको, ठीक है। ये आ गया मिरर से आंसर, जहां से पूछेगा वहां से इसके आंसर निकाल सकते हो। क्लियर हो गया बात, इस तरह सॉल्व करते हैं आपका जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। एक और क्वेश्चन चाहो तो आप देख सकते हो, किसी और मिरर पे लेके देख लेते हैं, जैसे कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं उस पर देख लेते हैं इस बार। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन,
उसमें क्या है, दूसरा मिरर लेते हैं, प्लेन मिरर की बात नहीं करेंगे, इस बार हम दूसरा मिरर ले लेते हैं, उससे करके देखते हैं कैसे आएंगे, तब भी आपका आपको ही लिखना है आंसर जैसे मैं कर रहा हूं उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन जो अगला है वो कुछ इस प्रकार से है, एक आपके पास यहां पर स्लैब है, नाइन सेंटीमीटर म्यू दे रखा है इसका 3/2, इसके पीछे यहां पर एक आपके पास मिरर है, इसकी फोकल लेंथ जो है आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, कौन के मिरर है माइनस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है यहां पर जो थर्टी थ्री सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर है, फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर 33 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट थी आपके पास, इसकी आपको बतानी है इमेज कहां बनेगी फाइनल। क्लियर होगी बात, 33 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 3/2 मिरर आपके पास फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का दे रखा है। चलिए तो करते हैं सॉल्यूशन, देखें सॉल्यूशन में किस तरह से करना है आपको, ठीक है भाई। तो इसमें कैसे करेंगे फिर वही तरीका, तो आपके पास वही है सॉल्यूशन का, क्या मिरर को हम शिफ्ट करेंगे चाहे कोई सा भी हो, मिरर इज शिफ्टेड towards object due to slab with respect to object, object को वही रखे, थोड़ा सा आगे की तरफ खिसकाना पड़ेगा, कितना सकते होंगे शिफ्टिंग देख लेते हैं पहले, t 1 upon 1 minus 1 upon mu, sorry तो 9 1/1 upon 3/2 करूंगा तो आ जाएगा आपके पास 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर आगे की तरफ खिसक जाएगा आपका जो मिरर है वो, ठीक है। ये आपका वर्चुअल मिरर है हमेशा, यहां कोई मिरर नहीं है, इसको इस शॉर्ट तरीका से करने का, ये डिस्टेंस कितनी है भाई 3 सेंटीमीटर। अब देखो आप ध्यान से, ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है वो वर्चुअल मिरर से कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना, तो अब हम लगा देंगे, शिफ्टेड मिरर की जो इमेज होती है वही अपनी फाइनल इमेज है, तो शिफ्टेड मिरर की जो ऑब्जेक्ट है वो है -30 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ जो है वो -10 सेंटीमीटर है, तो 1/v इज इक्वल टू होता है 1/f - 1/u, एक लाइन कम कर दी उधर भेज दे डायरेक्ट मैंने, तो -1/10 + 1/30 हो जाएगा, ये -30 + 10/3 में आ जाएगा 300, ये आ गया आपके पास -20/300, देख लो एक बार सही है ना, -20/300 भाई, वो कैलकुलेशन छोटी मोटी मिस्टेक आप देख लेना अपने आप, तरीका ये रहेगा मैं कर रहा हूं। चले आगे देखें, तो v क्या जाएगा -15 सेंटीमीटर, माइनस का मतलब क्या होता है भाई, अरे माइनस का मतलब मिरर से इसी तरफ, यानी जो रियल इमेज बनेगी, जो आपकी इमेज बनेगी कैसी बनेगी, रियल इमेज, तो मिरर से इस तरफ बनेगी इस बार इमेज -15 सेंटीमीटर, तो मिरर से इस तरफ बनेगी, हेंस रियल इमेज इज फॉर्म्ड जो इस मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी, तो बिल्कुल आधे पर है ना, यहां कहीं ये
ये है आपकी इमेज। तो पुराने वाले मिरर से कितनी दूरी पर है, मतलब जो रियल मिरर है, हेंस इमेज इज एट 15, तो ये और प्लस 3 तो 18, 18 सेंटीमीटर फ्रॉम रियल मिरर। शिफ्टेड मिरर तो वर्चुअल है, वहां पर मिरर थोड़ी होता, तो हमने तरीका बताया था आपको सॉल्व करने का, फ्रॉम रियल मिरर इन फ्रंट ऑफ इट। ये जो इमेज बन रही है आपकी रियल बन रही है। तो भाई ये था आपका पूरा तरीका जो मैंने आपको सिखा दिया सॉल्व करने का। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। क्लियर होगी बात? तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, और उसके एप्लीकेशन की बात हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, तो अब फिनोमेनाइज के बाद इस तरह क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। अब तो तरीका समझ गया। शॉर्ट ट्रिक से करना है आपको सॉल्व, ज्यादा आसान पड़ता है ना करना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, चलिए इसको शॉर्ट में बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे TIR के बारे में, और इसकी जो एप्लीकेशन उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल का पता होना जरूरी, तो पहले वो सीएम फिर TIR की बात करेंगे हम। ठीक है, चले देखे क्या है। मान लीजिए आपके पास दो मीडियम है, एक आपके पास क्या है μ2, एक आपके पास क्या है μ1। μ2 आपका बड़ा है μ1 से, मतलब ये डेंसर है, और ये वाला कैसा है, रेयरर है। एक लाइट की रे आई कुछ इस तरह से, इसका जो एंगल था वो आई था। तो हम जानते हैं जब भी डेंसर से रेयर में जाती है लाइट के थोड़ा दूर हटती है, ऐसा हो जाएगा यार, बात समझ आई क्या। चलिए अब देखते हैं, मान लीजिए इस आई को थोड़ा सा और बड़ा करके भेजू मैं इस तरह से, यहां पर जो लाइट की रे होगी थोड़ा सा और दूर हटेगी, नहीं समझे बात भाई। जब यहां आ रही थी लाइट की रे तो थोड़ा सा दूर हटी नॉर्मल से, अब और बड़े एंगल पर आएगी तो और बड़ा एंगल बनाएगी, आर भी इसी रेशियो में बढ़ेगा, और बड़े एंगल पर आएगी अगली बार तो बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी किसके भाई। कंडीशन ऐसे भी तो आएगी, लाइट की रे जो ऐसा इंसिडेंस एंगल होगा जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए, इसके लिए नॉर्मल से दूर हटी, फिर इसके लिए और दूर हटी, फिर इसके लिए और दूर हटके पैरेलल हो गई किसके, सरफेस के। ऐसा इंसिडेंस एंगल यहां पर दिख रहा है आपको, ऐसा इंसिडेंस एंगल जिसको आईसी बोलेंगे, डेंसर मीडियम में ऐसा इंसिडेंस एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इन रेयरर मीडियम 90 डिग्री हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, बात समझ आई। पर ये कब होगा, जब आप डेंसर से रेयर में जा रहे होगे, क्योंकि डेंसर से रेयर में जाने पर ही लाइट जो होती है वो नॉर्मल से दूर हटती है रिफ्रेक्शन के बाद, तो यहां पर आपको ऐसा मिल सकता है जैसे मैंने आपको बताया। तो मैं वही फिगर लास्ट वाला बनाता हूं डायरेक्ट, समझ गए ना बात। तो अब इसकी डेफिनेशन और इसका फिगर देख लो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल।
क्या बोलते हैं भाई इसको? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं इसको। बात समझ आ गई? चलिए तो अब इसका फिगर बना के दिखाता हूं, फिगर किस तरह से बनेगा इसका। ये हो गया आपके पास एक सेपरेटिंग सरफेस, ये नॉर्मल खींच दिया मैंने पहले ही। इसके इधर क्या है? म्यू टू। इसके इधर क्या है? म्यू वन। म्यू टू जो है वो बड़ा है म्यू वन से, इसका मतलब ही डेंसर मीडियम है। यहां पर एक लाइट किरे आई, यहां पर जो एंगल बना उसको आई सी या केवल सी से भी लिख देते हैं, कई बार केवल सी से भी लिख सकते हैं, और आई के नीचे सी रहा, क्रिटिकल इंसिडेंस एंगल है। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन मतलब लाइट की रिफ्रेक्शन के बाद ऐसी हो गई, तो यहां पर जो आर था वो बन रहा है 90 डिग्री। ये था भाई आपके पास, इसे क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ, ये जो आई सी इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में। अब इसका नाम क्रिटिकल एंगल है जिसके लिए आर 90 हो गया, तो क्रिटिकल एंगल हो गया डेंसर मीडियम में ही, हमेशा ही मिलेगा आपको। ये हमेशा कहां मिलेगा? डेंसर मीडियम में ही देखने को आपको मिलेगा। क्लियर हो गई बात? चलिए तो भाई आगे बढ़ चलते हैं। तो क्रिटिकल एंगल आपको समझ में आ गया है ना? चलिए अच्छी बात है। अच्छा, क्रिटिकल एंगल के लिए एक और बात थी, वो भी मैं सिखा दूं आपको एक मिनट, जब मैंने बनाया था तो लगे हाथ। ये म्यू टू था ना, ये क्या था भाई? म्यू वन था। एक लाइट किरे आती है इंसिडेंट इस तरह से, और ये रिफ्रेक्शन के बाद ऐसी हो जाती है ना इस तरह से, ये नॉर्मल हो गया। इसका नाम पॉइंट ए रख लेते हैं, ये म्यू टू ये म्यू वन बाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर स्नेल्स का लॉ लगा देते हैं, तो स्नेल्स का लॉ आपको ध्यान होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई जो भी एंगल नॉर्मल और रे के बीच बनेगा वो इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई जो भी एंगल बनेगा वो साइन 90 की वैल्यू वन होती है, तो म्यू टू इंटू साइन आई सी। तो यहां से हम बोल सकते हैं म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू होता है 1/sin IC। इफ म्यू वन वन हो और डेंसर मीडियम में उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा हो, तो जब अकेला मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो उसका क्रिटिकल एंगल पूछेगा, दूसरी तरफ फिर एयर ही माननी पड़ेगी आपको। रियल मीडियम हमेशा एयर मानते हैं जब एक ही मीडियम का म्यू दिया हो, तो इस केस में हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 1/sin C। ये हो गया आपके पास आंसर। ठीक है, इस पे एक न्यूमेरिकल छोटा सा। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज 2, देन फाइंड क्रिटिकल एंगल इन इट। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया था, साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ हो जाएगा यहां से अगर देखें तो, है ना? तो साइन आई सी इक्वल टू हो जाएगा 1/2, तो यहां से आई सी आएगा आपके पास 30 डिग्री, इसको हम बोलेंगे पाई बाई सिक्स। ये समझ के बाद चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं सीधे सीधे TIR की। तो इतनी बात आपको समझ, क्रिटिकल एंगल के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। किसकी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की।
निकाल दो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब क्या होगा, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये आपके पास म्यू टू है, ये आपके पास म्यू वन है। एक लाइट की रे है जो इंसिडेंट होती है एक ऐसे एंगल पर जो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा है, समझ गए? यहां पर जो इंसिडेंस एंगल है आई वो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा है, तो लाइट की रे अब इसी मीडियम में वापस लौट आएगी, जबकि जा सकती थी इसमें पर वापस ही लौट आएगी क्योंकि अब यहां तक तो आ चुकी थी आईसी पर, उससे बड़े एंगल पर वापस ही लौटेगी। तो इसी फिनोमेना को बोलते हैं टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये हमेशा जो यहां पर आर बनेगा वो आई के इक्वल ही आएगा, अभी रिफ्लेक्शन को फॉलो करना शुरू कर देगा। व्हेन ए लाइट रे इन डेंसर मीडियम falls on separating surface at an angle greater than क्रिटिकल एंगल, देन लाइट रे रिटर्न्स बैक इन द सेम डेंसर मीडियम। ठीक है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड TIR, इसी को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझा की बात, जब भी कोई डेंसर मीडियम, देखिए यहां पर ध्यान रखें आपका जो म्यू टू है वो म्यू वन से बड़ा है, ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी। तो लाइट की रे जब डेंसर मीडियम से जाने की कोशिश कर रही थी रेयर मीडियम में, तो सेपरेटिंग सरफेस पे टकराने पर जो उसका इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा निकल आया, तो वो डेंसर मीडियम में वापस लौट आती है, फिर वो रेयर मीडियम में नहीं जाती रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बाद। इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं भाई इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो फिगर बना लो, डेफिनेशन लिख लो। अब इसकी कुछ कंडीशन है, जो इसेंशियल कंडीशन है इसके लिए वो क्या हो गई, एक तो आपको पता हो देखिए राय साहब की डेंसर से रेयर मीडियम में ही लाइट की रे ट्रेवल करेंगी तभी ऐसा होगा। रेयर से डेंसर मीडियम में अगर लाइट की रे जा रही हो तो कभी भी आपका टीआईआर होगा ही नहीं। कब होगा, जब डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश कर रही हो, और दूसरी बात जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। इन दोनों शर्तों में से अगर कोई भी एक शर्त नहीं होती है तो टीआईआर नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसेंशियल कंडीशन लिख लेते हैं, फिर जो इसके एप्लीकेशन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा क्योंकि काफी बड़ा हो जाएगा फिर वीडियो लेक्चर, ऑलरेडी 50 मिनट्स का होने वाला है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं किसकी, इसेंशियल कंडीशन फॉर टी आई आर। नंबर फर्स्ट, light should travel from denser to rarer medium. Number second, angle of incidence इन डेंसर मीडियम मस्ट बी
ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो टी आई आर की दो इसेंशियल कंडीशन आपको समझ आ गई भाई। एक तो पहली बात, जो आपकी लाइट की रे है वो डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश कर रही हो, डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश कर रही हो, और दूसरी बात जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो आपके पास आई ये जो है आपका बड़ा होना चाहिए एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से जो भी यहां पर बनता हो उससे बड़ा होना चाहिए, तब आपका होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये दो इसेंशियल कंडीशन है टी आई आर के लिए। अब इस पे न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, इसके एप्लीकेशन भी बोर्ड क्लास में पूछे जाते हैं और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कंपटीशन भी पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो ये अच्छा टॉपिक है, आज मैंने इसके बारे में बात कर ली है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके एप्लीकेशन और इसके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। इसके एप्लीकेशन में आपको बता देता हूं, एक तो रेनबो की फॉर्मेशन टी आई आर की वजह से होती है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो वर्क करते हैं टी आई आर पे। मिराज जो बनती है आपने देखा होगा रेगिस्तान में, गर्मी के दिनों में जमीन पर पानी का एहसास होता है हमको, मिराज बोलते हैं उसको। तो जो मिराज बनती है वो भी टी आई आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। मिराज का बनना, ऑप्टिकल फाइबर, रेनबो, ठीक है, डिस्पर्शन में भी आएगा, और आपका प्रिज्म से होता है टी आई आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म से भी होता है। तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं इस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, वो आते भी हैं कंपटीशंस में भी, तो उनकी भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज हमने जिसकी बात की थी वो थी कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब एंड मिरर और टी आई आर, दो टॉपिक आज हमने कवर कर लिए। आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी। तो आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में टी आई आर यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन और न्यूमेरिकल के साथ।